माय चैनल। आज हम बनाएंगे शीतला सप्तमी स्पेशल ओलिया। राजस्थानी भाषा में इसे ओलिया कहते हैं, लेकिन आप अपने भाषा में इसे कर्ड रेसिपी कह सकते हैं। इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, मीठा और नमकीन। बहुत ही हेल्दी और सिंपल रेसिपी है और आप इस रेसिपी को शीतला सप्तमी के अलावा गर्मी के सीजन में कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए शुगर, किशमिश, इलायची पाउडर, नमक, जीरा पाउडर और राई पाउडर, जिसे हम मस्टर्ड भी कहते हैं, और ये बारीक चावल जिसे मैंने एक कटोरी लिया था। ओलिए के लिए आप बारीक चावल ही यूज करें, लंबे चावल इसमें अच्छे नहीं लगते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब एक कटोरी चावल है तो इसमें चार कटोरी पानी आप डालें और प्रेशर कुकर में दो सीटी बजने तक इसे पकाएं, क्योंकि हमें चावल मैशी और चिपचिपे चाहिए, न कि हमें चावल खिले हुए चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और चावल हमें ठंडे चाहिए। और इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट दही। इसके लिए मैंने फुल फैट मिल्क लिया है और इस दही को मैंने रात में ही जमा दिया था और इसको फ्रिज में रख दिया, जिससे कि यह दही अच्छे से गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, हमें दही गाढ़ा चाहिए और बिल्कुल खट्टा नहीं चाहिए। फिर भी यदि दही पतला है या फिर खट्टा है तो आप इसे एक कॉटन के कपड़े में बांध कर टांग दे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी होगा और निकल जाएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर विस्क से इसे फेंट लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अब हम इस दही को विस्क से अच्छे से घोट लेंगे, जिससे कि अच्छे से स्मूथ हो जाए। ध्यान रहे कि ये काम हमें विस्क से ही करना है, न कि किसी ब्लेंडर से। अगर आप ब्लेंडर से करेंगे तो दही बहुत पतला हो जाएगा। ये देखिए, दही का टेक्सचर गाढ़ा भी है, स्मूथ भी है और कहीं भी लम्स नहीं है। चलिए अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे उबले हुए चावल, इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे दही। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है, दही आप इसी में जमाएं, क्योंकि दही तो ऑलरेडी हेल्दी होता है। मिट्टी की हांडी में दही जमाने से वह और भी हेल्दी बन जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर, 5 से 6 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं और आप चाहे तो इसमें शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा किशमिश, थोड़ी सी किशमिश हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे, इलायची पाउडर, हल्का सा नमक, सिर्फ 2-4 दाने। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, ज्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा गाढ़ा होगा। और अब हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। पहले हमने मीठा ओलिया बनाया था, अब हम बनाएंगे नमकीन ओलिया। चावल को अच्छे से मैश कर लेंगे। और इसमें दही मिलाएंगे। दही इसमें थोड़ा ज्यादा ही डालें, अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें जाएगा जीरा पाउडर, राई पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अनुसार। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये ठंडा ही अच्छा लगता है, इसीलिए आप इसे फ्रिज में जरूर रखें। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा ठंडा ठंडा मीठा और नमकीन ओलिया। मीठे ओले को गार्निश करेंगे इलायची पाउडर, किशमिश और कटी हुई बादाम।
आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और नमकीन वाले पर जाएगा राई का पाउडर और जीरा पाउडर। इस डिश को आप ट्रेवलिंग में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये खराब नहीं होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो उसे ट्राई करने के बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।